अल्लाह रहमान रहीम रब्बी इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी ग्रेड 9 स्टूडेंट्स बेटे, चैप्टर 3 डायनेमिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल बिकॉज इट विल आल्सो बी यूज्ड इन योर प्रॉब्लम्स एंड एग्जांपल एज़ वेल। द कंडीशन इज वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज। वर्टिकल मोशन हमेशा याद रखें जो y एक्सिस के अलोंग होता है, हॉरिजॉन्टल होता है स्ट्रेट और वर्टिकल होता है y एक्सिस। वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग, दो एक रस्सी है उसके एंड्स पे दो बॉडीज अटैच है, दैट पासिस ओवर फ्रिक्शनलेस पुली। फ्रिक्शनलेस पुली का मतलब है यहां पर फ्रिक्शन को इग्नोर किया गया है। ओके, अब पेज नंबर 64 पे आप बड़े इजीली यहां पर सबसे पहले इसको रीड आउट करोगे। कंसीडर टू बॉडीज ए एंड बी, एक बॉडी ए है एक बॉडी बी है, ऑफ मैसेस, इसका मैस है एम वन इसका मैस है एम टू। लेट एम वन इज ग्रेटर देन एम टू, यहां पर हमने सपोज किया है एम वन ग्रेटर है एम टू के, वो हमें देखते हुए पता लगा क्योंकि ये बॉडी नीचे मूव कर रही है, जो हैवी बॉडी होती है वो डाउनवर्ड मूव करती है, जो लेस बॉडी होती है वो अपवर्ड मूव करती है, तो एम वन का मैस ज्यादा है एम टू के मैस से। क्लियर, these bodies are attached to the opposite side of an inextensible string, the string passes over a frictionless pulley, the body A being heavier must moving downward with same acceleration, acceleration dono ka A hi hai, let this acceleration be A, at the same time the body B attached to the other side of the string is moving upward with same acceleration A, as the pulley is frictionless hence its tension will be the same throughout the string, let tension in the string be T, tension दोनों में T है, ठीक है, ये M1G हो गया, ये M2G हो गया, ये body A हो गया, ये body B हो गया, दोनों में acceleration जो सा है वो same है, A body heavy है नीचे move कर रही है, M2 body B light है ये upward move कर रही है। अब यहाँ से आपने ज़ेहन में रखना है, since body A move, पहले जो मैंने आपको बताया ये आपने page number 64 से याद करके ऐसे ही लिखना है, उसके बाद यहाँ से आपने start करना है, डायग्राम भी आप जरूर बनाएंगे। सिंस बॉडी ए मूव्स डाउनवर्ड सो इट्स वेट एम वन जी इज ग्रेटर देन इट्स टेंशन, ये मूव नीचे कर रहा है इसका मतलब है वेट इसका ज्यादा है टेंशन से, तो नेट फोर्स ऑन बॉडी ए क्या होगी एम वन जी माइनस टी, ठीक हो गया। अब न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है, एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ अभी आपने ये नेट फोर्स निकाली है उसकी जगह आ गया एम वन जी माइनस टी, और एम क्या था एम वन था और ए एज इट इज आ गया, ये आपके पास इक्वेशन आ गई 3.6। अब बी कंडीशन पे आए, एस बॉडी बी मूव्स अप सो इट्स वेट डब्ल्यू टू जी इज लेस देन इट्स टेंशन, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर मूव कर रहा है तो यहां पर क्या होगा कंडीशन टी माइनस एम टू जी, ये हमने लिख दिया नेट फोर्स बी इज इक्वल टू टी माइनस एम टू जी। इसमें भी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का कहता है एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ क्या है ये जो नेट फोर्स अभी निकाली है T माइनस एम टू जे, और सेकेंड कंडीशन में M क्या था एम टू ए था, ये आपके इक्वेशन आ गई 3.7। अब आपने क्या करना है एडिंग 3.6 और 3.7, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास एक्सेलरेशन A आ जाएगा, ये आपके पास 3.6 थी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आपने ऐड किया, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में। अब ये देखें यहाँ पर आपके पास आपको क्लियर नजर आ रहा है ये माइनस टी और प्लस टी ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्लियर, पीछे आपके पास क्या बच जाएगा एम वन जी माइनस एम टू जी और एम वन ए प्लस एम टू ए, यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ रही है जी कॉमन आ रहा है अंदर आ गया एम वन माइनस एम टू, यहाँ से ए कॉमन आ रहा है तो अंदर आ गया एम वन प्लस एम टू, तो यहाँ से आप एक्सेलरेशन उसने कहा ना आप फाइंड करोगे तो जो चीज़ फाइंड करने देते हैं उसको वहीं पर लिखा रहने देते हैं, साथ ये मल्टीप्लाई और था दूसरे एंड पर जाके क्या हो गया डिवाइड, तो ये आपके पास एक्सेलरेशन का फार्मूला निकला आया जब दो बॉडीज वर्टिकली मूव कर रही होती हैं, और यहीं से अगर आप जी का फार्मूला निकालना चाहो तो वो भी आ सकता है, अगर आप जी निकालना चाहते हो तो जी के साथ एम वन माइनस एम टू मल्टीप्लाई हो रहा है और ये डिवाइड हो रहा है, जब ये दूसरे एंड पे चला जाएगा तो जो डिवाइड हो रहा है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो मल्टीप्लाई है ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास जी का फार्मूला भी आ गया, ठीक है। अब इसका जो सेकेंड पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहता है डिवाइड 3.7 इक्वेशन बाय 3.6 वी गेट टेंशन, अगर आप 3.7 को डिवाइड कर दोगे किस पे 3.6 पे
तो ये देखें, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी 3.7 की, इसको आपने 3.6 पे डिवाइड कर दिया। ये राइट हैंड साइड 3.7, इसको आपने 3.6 पे डिवाइड कर दिया। अब ये देखें, ये मैंने आपको बेटे बताया और पी बाई क्यू फॉर्म हो, दरमियान में इक्वल्स हो, तो क्या करते हैं, मैथ का रूल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहां से आपने ये स्टेप कर दिया, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आपको क्या फाइंड होगा, एम टू ए इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा और एम वन ए इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहां से देखें, जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया, एम वन एम टू इंटू ए जी माइनस एम टू ए इंटू टी। यहां पर एम वन ए इंटू टी और माइनस एम वन एम टू ए इंटू जी, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, टी वाले टर्म्स को एक साइड पे रख लेना है, दूसरे को इधर ले आना है, एम वन एम टू ए जी और ये वाला माइनस सही यहाँ पर आके प्लस हो गया, ठीक है, और ये एम वन ए टी ये इधर आके प्लस हो गया। अब ये देखें, ये एम वन एम टू ए जी प्लस एम वन एम टू ए जी, तो ये टू एम वन एम टू ए जी हो गया, क्योंकि इसका कोफिशिएंट भी वन था, इसका भी वन था, और यहाँ पर आपके पास ए टी कॉमन आ गया, रह गया एम वन प्लस एम टू, ठीक है। अब जरा दोनों साइड से देखें, कोई चीज़ कटिंग हो रही है, ये देखें, ये ए और ये ए दोनों एंड से कैंसिल हो गए, तो आपके पास बाकी क्या चीज़ बच गई, टू एम वन एम टू जी और एम वन एम टू इंटू टी। यहाँ से आपने टी की वैल्यू निकालनी है, तो ये टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे एंड पे जाकर टी के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। द अबव अरेंजमेंट आल्सो नोन एज एडवर्ड मशीन, तो ये इसको एडवर्ड मशीन भी कहते हैं, ये ठीक है। अब बेटे ये आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी कॉपीज पे इसी तरह इसकी हेडिंग दे के डायग्राम और ये पूरा आपने डिटेल से लिखना है। और इससे पहले जो मैंने 6.464 पेज पे थोड़ी सी शुरू में आपको बताया था ओरली, वो आपने वो भी लिखना है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपने करना है। और एग्जाम्पल 3.4 ये भी आपने कॉपी पे करनी है, ठीक है। 3.4 ये आपके सामने है एग्जाम्पल, ठीक है। दो पूरा फार्मूला यही अप्लाई होगा, आपने पहले ए फाइंड करना है और टी फाइंड करना है। ए आपका इस फार्मूले से निकल आएगा, ठीक है, और टी आपका इस फार्मूले से निकल आएगा। रिगार्डिंग एनी क्यूरी यू कैन आस्क मी। टिल नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।